हरियाणा में जाट आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 2016 में बने कानून को रद्द करने की मांग। याचिकाकर्ता की शिकायत, 2014 में रद्द किया गया कानून 2016 में फिर पास किया गया। 2016 के कानून पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। अंबाला में एनसीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बस नियंत्रण खोने की वजह से पलट गई, जिसमें बस के कंडक्टर और एक बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस का ड्राइवर स्टीरियो का वॉल्यूम बढ़ा रहा था और इतने में एक साइकिल सवार सामने आ गया, जिसे बचाते हुए ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस खराब में जाकर पलट गई। इस हादसे में 25 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं। करनाल के गौशाला रोड पर वर्णाकार ने ट्रांसफार्मर को टक्कर मार दी। खंभे समेत पूरा ट्रांसफार्मर कार के ऊपर गिर गया। हादसे में गाड़ी के एक पर खच्चे उड़ गए। टोहाना में एक युवक को शादी में अजीबोगरीब तरीके से दहेज मिला है। युवक को शादी में ससुराल वालों ने उसे दहेज के रूप में लंगूर दिया है। इस अनोखे दहेज की चारों तरफ चर्चा हो रही है। युवक के पिता ने बताया कि उन्होंने 2.25 एकड़ जमीन पर हरा चारा लगा रखा है, जहां अक्सर उनको बंदर तंग करते थे, जिसके लिए वो सोच ही रहे थे कि एक लंगूर को पाला जाए। लेकिन इससे पहले उनकी शादी में ससुराल वालों ने दहेज के रूप में उनको लंगूर दे दिया। इससे अब उनको बंदरों से निजात मिलेगी। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दादरी बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। इस दौरान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र धरखड़ ने सरकार को सीधे रूप से अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 20 फरवरी को बसों का चक्का जाम करेंगे। वहीं बिजली बंद करने सहित कई विभागों के कर्मचारी काम छोड़कर हरियाणा बंद में शामिल होंगे। मांग नहीं मानने पर ये एक दिन की हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए भी बदली जा सकती है। चक्का जाम के लिए रोडवेज यूनियन ने तैयारी शुरू कर दी है।